टेक करने की कोशिश की गई। शराब सेल्समैन को लूटने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश, और यहां पर सेल्समैन के सिर में बदमाशों ने डंडा भी मारा, डंडे से हेलमेट पर किया वार, हेलमेट टूटा, बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारी है गोली। सेल्समैन से कैश लूटकर बदमाश यहां से फरार हो गए हैं। 60 से 70 हजार रुपए लूटकर बदमाश, कैश फरार, गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। काकोरी क्षेत्र के अंधे की चौकी की घटना है। तबरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तबरेज, सेल्समैन ने इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी अभी तक पुलिस को? जी देखिए, पूरा मामला काकुर थाना क्षेत्र के अंधे की चौकी के दशहरी मोड़ के पास का, जहाँ पे देसी शराब की जो दुकान है उसके जो सेल्समैन था जितेंद्र कुमार जायसवाल, जो के दुकान बंद करके वहां से वापस लौट रहे थे, और वहां से हार्डली 200 से 300 मीटर आगे चले, जिसके बाद बाइक सवार लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश करी, जब वो नहीं रुके तो डंडा मार दिया हेलमेट के ऊपर, जिससे हेलमेट टूट गया, और उसके बाद बिना रुकने के ऊपर पेट के ऊपर गोली मार दी, जिससे घायल होकर वो गिर गया, और बैग लेके वो लगभग बैग में 70 हजार रुपए थे वो लेके फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, और पुलिस ने पूरे पुराने लखनऊ में चेकिंग लगा दी, जिसके बाद फिलहाल पुलिस के अभी तक के हाथ खाली हैं, और जो घायल व्यक्ति उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। शुक्रिया तबरेज इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।